सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं कहाँ आ गया। तो ये जो जगह है ये मासिमपुर का एक काली मंदिर है जिसको मासिमपुर कालीबाड़ी के नाम पे जानते हैं। एक्चुअली इस कोरोना पेंडेमिक में ये महालया ठीक तरीके से मनाया नहीं जा पा रहा है, तो हम लोग सोचे कि घूमते घूमते चलिए कहीं किसी मंदिर से हो आते हैं। तो आज मैं इस मंदिर में आया हूँ, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस मंदिर का स्पेशलिटी जो भी है और ये मंदिर कितना ही फेमस है आज इस ब्लॉग में आप देख पाएंगे। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो का एंड तक देखिए और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जूते खोल के जाना होता है और हाथ पैर धो के जाना होता है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, मुझे पहली बार इसी मंदिर में मुझे दिखा कि ये सिस्टम है कि हाथ पैर धो के अंदर जाना होता है। हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि ये मासिमपुर कालीबाड़ी, एक्चुअली सब लोग मासिमपुर कालीबाड़ी के नाम पे ही जानते हैं, बट ये जो मैं आके देख रहा हूँ इसको अरुणाचल आश्रम है, एक्चुअल नेम अरुणाचल आश्रम है बट सभी इसको मासिमपुर कालीबाड़ी के नाम पे जानते हैं। देखा ये मंदिर एक्चुअली जो आश्रम के नाम पे है, ये आश्रम बोलते हैं इसको, तो इस आश्रम का स्थापना हुआ था 1909 आश्रम का स्थापना किया था श्री श्री ठाकुर दयानंद देव जी ने। दोस्तों आज मैंने आपको एक मंदिर दिखाया जो बराट वैली का कुवित बहुत ही फेमस मंदिर है और ये मंदिर जो है लोग इसको मासिमपुर कालीबाड़ी के नाम पे जानते हैं बट एक्चुअल में ये है अरुणाचल आश्रम और जिसको एक बाबा ने इस्टेब्लिश किया था या स्थापन किया था। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।